हमारे साथ इस वक्त है नॉन गजेटेड जो फॉरेस्ट एसोसिएशन है, ये पुंछ में प्रोटेस्ट कर रही है लगातार। कल इनका पहला दिन था और आज दूसरा दिन है। इनसे आज हम ये जानेंगे कि आखिर इनकी इस प्रोटेस्ट की वजह क्या है, किस वजह से ये प्रोटेस्ट हो रहा है और इनकी कौन सी ऐसी डिमांड्स है जो नहीं मानी जा रही। तो जी, आपका नाम? मेरा नाम हाजी मोहम्मद अफजल, मैं डिविजनल प्रेसिडेंट पुंछ फॉरेस्ट डिविजन। हमारे मुतालबात ये हैं कि अरसा दराज से हमारी ये अप्रूव डिमांड्स हैं, हाई कोर्ट की डायरेक्शन के मुताबिक भी हमें ये लागू हो जानी चाहिए थी। रिस्क लॉन्स जो कि 24 घंटे हमारे मुलाजम जिसका फेस करते हैं, जो जंगलों में जाके वाइल्ड लाइफ से लेकर इंक्रोचर से लेकर और जंगल स्मगलरों तक हमारा फॉरेस्ट गार्ड और हमारा फॉरेस्ट ये फील्ड स्टाफ जितना भी है ये जाके फेस करते हैं, और आज दिन तक हमें रिस्क लॉस नहीं मिला, जो हमारा राइट है, बुनियादी राइट है, बुनियादी हक है हमारा। और ढाई दिन की पे जबकि रात के 12 बजे भी हमने जंगल स्मगलरों के साथ भिड़े हैं जाके, इंक्रोचमेंट जो करने वाले लोग हैं उनसे भिड़े हैं जाके, और अकेले गार्ड और फॉरेस्टर जाके लोगों से मारे भी खाई हैं। रात के 12 बजे भी हम ड्यूटी करते हैं, गाड़ियां भी हमने सीज की हैं। आज दिन तक हमें ढाई दिन की पे नहीं मिली, जो हमारा ये भी बुनियादी हक था जो आज दिन तक नहीं दिया गया। उसके बाद पे अनामली जो 30 साल से हमारा एक ग्रेड बंदी हुई थी, उसके बाद आज दिन तक वो हमें पे जो तवावत है वो इन्होंने दूर नहीं की। बड़े दुख की बात है, हम अदलिया से, हम हुकूमत से ये कह देना चाहते हैं कि बड़े अफसोस की बात है कि कोई हम भीख नहीं मांग रहे हैं आपसे, हम वो मांग रहे हैं जो हमारा बुनियादी हक है। एक पुलिस का एक सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल जो है, सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल के मुताबिक ये जो हमारा फॉरेस्टर है 2 स्टार लगा के वो पे लेता है, जबकि 10 गुना उससे 20 गुना ज्यादा उससे काम करता है। और उसके बाद ये जो फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स है जो कि उसको एक प्रोटेक्शन के तौर पर हम पर ये आयद किया गया है, उनको हार्डशिप लॉस, ढाई दिन की पे, रिस्क लॉस, ये इवन के राशन मनी भी उनको मिली है। आज दिन तक हम इन सब चीजों से महरूम है। हम सरकार को ये मुतनबे कर देना चाहते हैं कि ये हमारी अप्रूव डिमांड जो तमाम कार्नर से अप्रूव होके फार्मर आर्डर के लिए किसी एक स्टेज पर है, तो ये फौरी तौर हमारा ये फार्मल आर्डर जारी किया जाए और हमारी हक तलफी ना की जाए और ना हम कोई दूसरा काम करेंगे जब तक हमारी ये डिमांडें पूरी नहीं। तो ये है गजेटेड फॉरेस्ट, नॉन गजेटेड फॉरेस्ट एसोसिएशन जो अपनी बात कर रहे थे, जिन्होंने ये अपनी प्रॉब्लम्स जो है बताई हैं। ये डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे हाजी साहब, जिन्होंने हमारे साथ ये इसकी पूरी तफसीलात बताई हैं। जरूरत इस चीज की है कि कम से कम हर जगह पे जिस तरीके से आरईटी टीचर्स वो अपनी बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो है कहीं पे के लिए जो है लगातार लोग स्ट्राइक कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को और गवर्नर इंतजामिया जो है वो इस चीज को देखे कि जो ये मुलाजमों के जो अलाउंसेज हैं या जो चीजें हैं पिछले काफी अरसा से जो रुकी पड़ी है, इसके पीछे वजह क्या है, और इन चीजों को जल्द अज जल्द क्लियर किया जाए ताकि हर जगह पर ये जो प्रोटेस्ट ना हो और लोगों की परेशानियां हल हो पाए।